आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये पूछ रहे थे कि सेरा मैजिक स्ट्रेटनर हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ईसा कॉस्मेटिक्स होलसेल प्राइस में स्ट्रेटनर ख़रीदते हैं। चलिए आपको ईसा कॉस्मेटिक्स ले चलती हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ईसा कॉस्मेटिक्स कहाँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूँ फौजिया शफीक। तो मैं जा रही थी बॉर्डन मार्केट सेरा मैजिक स्ट्रेटनर ख़रीदने के लिए, वो मुझे मिला है ईसा कॉस्मेटिक्स से। यहाँ से मैंने परचेस की है एक क्रियोसिट रिबॉन्डिंग किट और एक लिया है सेरा मैजिक स्ट्रेटनर, जो फार्मेसी की कॉपी है। ये आता है क्रिएटिव के नाम से। इसकी पावर सिर्फ हाई और लो का हिसाब नहीं है, प्रोफेशनल स्ट्रेटनर की तरह इसमें 220 तक का की पावर है। इसे 220 पर रख के 3 मिनट गर्म करें और यूज़ करें सूखे बालों पर, मतलब गीले बालों पर यूज़ नहीं करना इसे। अगर बाल गीला है भी तो 75% उसे खुश करके उसके बाद यूज़ करें। इसे यूज़ करते हुए सीरम ज़रूर अप्लाई किया करें। क्रिएटिव के नाम से है, सेरा मैजिक के कर लेते हैं सेरा मैजिक प्रोफेशनल फ्लैट आयरन। इससे भी हमारी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसे ख़रीदने के लिए आज मैं गोल्डन मार्केट गई थी। इसे मैंने ईसा कॉस्मेटिक्स से परचेज़ किया है, स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए ही मैंने इसे होलसेल प्राइस में ढूंढा, जिन्होंने डिस्काउंट के साथ मुझे दे दी है होलसेल प्राइस में। फ़र्स्ट टाइम मैंने गोल्डन मार्केट से इसे परचेज़ किया। गोल्डन मार्केट में मैं आई थी मेमन मस्जिद से, वही हमेशा की तरह बर्तन वाली गली पे उतरी, बैग वाली गली से एक गली आगे, मेमन मस्जिद से 2 गली पहले, ये इसका कॉर्नर है, यहीं पर मैं उतरी हूँ। आप रिक्शा से आएँ या बस से आएँ, यहीं पे आपको आगे उतरना है और गली के अंदर दाखिल हो जाएं। ये बर्तन मार्केट के नाम से ये गली मशहूर है, बर्तन वाली गली कहकर भी हम यहाँ आ सकते हैं। गली में दाखिल होते ही सीधे हाथ वाले पट्टी पे, जिस पे ये मैं मौजूद हूँ इस पर, सीधे हाथ पे यूँ सीधे सीधे जाएंगे और कॉस्मेटिक्स की शॉप्स लाइन से होंगी। यहाँ लाइन से कॉस्मेटिक्स की शॉप मौजूद है। सुबह 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँची, अभी शॉप्स खुल रही थी। आपको कभी भी यहाँ से ख़रीदारी करनी हो तो आपको 12 बजे आना चाहिए, 12 बजे सारी शॉप्स खुली होती हैं। मैं यहाँ आई हूँ ईसा कॉस्मेटिक्स पे, जो कि लास्ट वाली शॉप के पास है, इसी गली के एंड में खिलौने वाली दुकान से पहले है। यहाँ पर हर चीज़ हमें होलसेल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पर नॉर्मल प्राइस की चीज़ें भी मौजूद हैं और बड़े ब्रांड की चीज़ें भी मौजूद हैं। शॉप का कार्ड जो है वो मैं लेना भूल गई हूँ, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो में मैं शॉप का कार्ड भी शो करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको आसानी होगी, एक ही गली में आपको जाना है। मैं यहाँ से हेयर ट्रीटमेंट का सामान, हेयर स्ट्रेटनिंग का सामान और मेकअप का सामान सब लेती रहती हूँ। बोल्डन मार्केट में तो मेरा आना जाना रहता है, लेकिन स्ट्रेटनर मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया। क्या इससे पहले क्रिएटिव कंपनी का जो स्ट्रेटनर है वो मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, जो मुझे महंगा पड़ता था। फर्स्ट टाइम मुझे यही स्ट्रेटनर 4000 का मिला था और मेरा ख्याल था कि सेरम मैजिक प्लेट है, रिबॉन्डिंग हो सकती है और इतना सस्ता। नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे बताया कि मैं भी ऑनलाइन सेल करती हूँ, बाजी आप मुझसे लिया करें, तो उन्होंने मुझे 3000 का दिया। अपने लिए तो मैंने एक ही बार फार्मेसी का स्ट्रेटनर लिया है, लेकिन किसी को देने के लिए, जैसे हम गिफ्ट करने के लिए लेते रहते हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, सीखने वाली लड़कियों को मैं उनकी हेल्प के लिए उनको दिला देती हूँ। अगर किसी दुल्हन की शॉपिंग हो रही होती है तो उसमें भी अच्छे से अच्छे स्ट्रेटनर रखना होता है, बरी के सामान में, जहेज़ में, तो मैं हेल्प करती हूँ। किसी के साथ चल के उनकी अच्छी सी शॉपिंग करवा दें, कोई नुकसान नहीं है हमारा। जिन्हें पहचान नहीं है उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाती। अच्छा, तो फिर मैंने एक जगह से परचेज़ किया दोबारा ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे 2500 रुपये का दिया यही सेरा मैजिक स्ट्रेटनर। फिर मैं आई गोल्डन मार्केट कॉस्मेटिक्स लेने के लिए, यहाँ से एक रिबॉन्डिंग किट खरीदी और उन्होंने स्ट्रेटनर दिखाया मुझे सेरा मैजिक की, ये भी ले लीजिए। यहाँ पता चला कि यहाँ होलसेल में मिल रहा है, प्राइस पूछे तो 1850। इस शॉप से पहले जो है मैं हुमायूं ब्रदर्स में गई थी, वहाँ उन्होंने बताया कि सेरा मैजिक स्ट्रेटनर जो है अभी हुमायूं ब्रदर्स में नहीं है। फिर मैं आई ईसा कॉस्मेटिक्स, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो स्ट्रेटनर के मुतालिक है। तो अपने पार्लर के लिए तो आपको फार्मेसी का ही स्ट्रेटनर लेना चाहिए, अगर वो आपको महंगा लगे तो फिर आप इसके साथ गुजारा कर सकते हैं। ये है वो मशहूर शॉप हुमायूं ब्रदर, होलसेल प्राइस है यहाँ। और ये हुमायूं की शॉप जो है ये बैग वाली गली में है। अगर आप पार्लर खोलना चाहती हैं और आपके पास पैसे कम हैं, आपकी रेंज में नहीं है फार्मेसी का स्ट्रेटनर या किसी बड़े ब्रांड का स्ट्रेटनर, तो फिर आप
इस सेरम मैजिक स्ट्रेटनर को परचेज़ कर सकती हैं। सेरम मैजिक ब्लेड है, रिजल्ट में रिबॉन्डिंग भी इसकी अच्छी जा रही है। मैंने इसको भी ट्राई करके देख लिया है, लेकिन पॉलर के लिए बेस्ट जो है वो सेरम मैजिक स्ट्रेटनर ही होता है। अगर फार्मेसी रेंज में ना हो तो फिर सेरम मैजिक स्ट्रेटनर भी रिबॉन्डिंग कर लेता है और अच्छा रिजल्ट देता है। दोनों के रिजल्ट में 19-20 का फ़र्क रहता है। सेरम मैजिक जो है वो डेड स्ट्रेट कर देता है, फिर भी दोनों स्ट्रेटनर के रिजल्ट में 19-20 का फ़र्क रहता है। मार्केट आई तो सबसे पहले मैं हुमायूं ब्रदर के पास गई और उनसे पूछा सेरम मैजिक स्ट्रेटनर है। उन्होंने कहा इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वैसे होता है। फिर मैं गई थी ईसा कॉस्मेटिक्स में। दोनों के प्राइस में 20-25 रुपए का फ़र्क होता है। सबसे बड़ी बात कि बोल्डन मार्केट में सबसे चौड़ी गलियों में इनकी शॉप है। ख़वातीन को बोल्डन मार्केट के अंदर पतली पतली गलियों में दाखिल नहीं होना पड़ता। इज्जत से अपने रिक्शे में शॉप के आगे उतर के आप अपना सामान जो भी आपको चाहिए परचेज़ कर सकती हैं, उसके बाद आप वापस उसी रिक्शे में बैठ के जा सकती हैं। हुमायूं ब्रदर की शॉप जो है वो बैग वाली गली के अंदर है, सीधे हाथ पे। शॉप कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और इसे कॉस्मेटिक्स के लिए आपको बर्तन वाली गली में दाखिल होना है, एक ही है बर्तन वाली गली, मेन रोड पे। गली के अंदर दाखिल होके सीधे हाथ पे लास्ट वाली शॉप। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।